नमस्कार दोस्तों, मैं रवि चौधरी हाईटेक इंस्टीट्यूट शाह मार्केट आगरा से आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट कैसे लाइव रिपेयरिंग करते हैं, कैसे अपने सेटअप को सही करते हैं। तो जानते हैं अपने स्टूडेंटों से क्या कर रहे हैं ये। क्या नाम है तुम्हारा? सर राहुल। राहुल क्या कर रहे हो राहुल? सर ये नोट 4 है, सेट बंद है सर। डेड कंडीशन में इसका है ये सर। सर ये सेट मेरा। तो आप इसे रिपेयर कर रहे हो? जी सर। तो पूरा प्रोसेस बताइए इसे, आप कैसे रिपेयर करते हो, फॉल्ट फाइंड करना जानते हो? जी सर। आईसीआर रिबॉल कर लेते हो? जी सर। पीपी बना लेते हो? जी सर। पीपी शॉर्टिंग की है? यस सर। एक बार डबल टेकर बना लेते हो? यस सर। सीपीयू ड्रिल करना? सीपीयू ड्रिल भी कर लेते हो? कर लेते हो। तो चलिए बताइए हमें फोन सही करके दिखाइए। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले सर हम चार्जिंग पिन से चेक करेंगे सर, ये फोन वोल्टेज एम्पेयर कुछ ले रहा नहीं ले रहा। जी तो दिखाइए हमें। सबसे पहले चार्जिंग पिन लगाया, कोई एम्पेयर नहीं ले रहा फोन। कोई एम्पेयर नहीं ले रहा है? नहीं सर। अब इससे चेक नहीं हो रहा तो सर अब हम बूट केबल से चेक करेंगे। बूट केबल से देखेंगे। तो बूट केबल से आपको रीडिंग पता है कितनी रीडिंग आनी चाहिए, किस कंडीशन में हमारा सेट होता है? यस सर। सर अगर पावर बटन बिना प्रेस करे कुछ एम्पेयर लेता है तो सर इसमें लीकेज कंडीशन होती है। बताइए इसमें चेक करके बताओ कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, बताइए। सर ये कोई एम्पेयर कंज्यूम नहीं कर रहा। तो इसे फाइंड कैसे करेंगे? सर हम चार्जिंग इनसे ट्रैक करते हुए ले आएंगे सर। तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप फाइंड करके बताइए डेड फोन कैसे रिपेयर किए जाते हैं। इस पर वोल्टेज मिल रहा है 5 वोल्टेज। चार्जिंग पिन पर कितने वोल्टेज मिल रहे हैं राहुल? चार्जिंग पिन पर सर 5 वोल्टेज मिल रहे हैं। 5 वोल्टेज मिल रहे हैं, इसका मतलब है हमारी चार्जिंग पिन सही से वर्क कर रही है। चार्जिंग पिन के लास्ट कहाँ चेक करेंगे हम? सर फिर जो यूआई, सर जो यूआई की स्ट्रिप निकल रही होती है सर ऊपर चेक करते हैं। तो बोर्ड में चेक करेंगे हमारे वोल्टेज चार्जिंग वाले पिन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है? तो चेक करके बताएंगे। जी सर। जी सर इसमें भी यहाँ पे भी वोल्टेज मिल रहा है। जी सर ठीक है। अब देखते हैं हम इसके ऑन ऑफ पे देखेंगे और एडीएल पे देखेंगे कि हमें वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ऑन ऑफ पर भी मिल रहा है 1.47 वोल्टेज मिल रहा है। और एडीएल पे चेक करो सर, एडीएल पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। एडीएल पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे कि हमारी पावर सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए पावर आईसी को चेक करते हैं, हमारे वोल्टेज एन हो रहे हैं या नहीं, आउट हो रहे हैं या नहीं, वीरे की सप्लाईयां बन रही या नहीं बन रही है, बस कॉइल काम कर रही है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम डेड फोन को फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ कोई वोल्टेज मिले नहीं सर, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है वोल्टेज। नो सर ठीक है। इनके कैप पे वोल्टेज चेक करो, वीरेक की हमारी सप्लाई कहाँ बनती है देखिए। देखो स्टेप बाय स्टेप एक एक कैपेसिटर पर जहां हमें वोल्टेज मिलते हैं वहां पे इन और आउट वोल्टेज हम दोनों चेक करेंगे। हमारी बट कॉइल पे वोल्टेज मिले हमें या नहीं मिले देखना। नो सर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारी पावर आईसी काम नहीं कर रही है, वोल्टेज आउट नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले? अब सर सबसे पहले इसकी पावर आईसी रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करेंगे पावर आईसी को, रिवॉल्व करके देखेंगे या फिर चेंज करके देखेंगे। जी सर। जब पावर आईसी हमारी आउट करने लगेगी फिर हम आगे सेट को फाइंड करते हैं, देखते हैं। अभी हम और भी फाइंड कर सकते हैं, EMMC आईसी पर VCC की VCC के वोल्टेज आते हैं उन्हें हम चेक कर सकते हैं। अगर वहां पे वोल्टेज हमें अगर मिल रहे हैं तो हमारी पावर आईसी वर्क कर रही है। इसका मतलब ये वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। तो पहले हम पावर सेक्शन को सही करेंगे, उसके बाद हम EMMC की तरफ जाएंगे। जी सर। तो पावर सेक्शन सही करने के लिए हम ये आईसी पहले उतारेंगे। जी सर। तो हेलो, मैं आज आपका सुंदर काम
ये आयशी निकल चुकी है, ठीक है, इसको साफ करो।
चलिए वोल्टेज चेक करके बताइए वोल्टेज हमें मिले या नहीं मिले। बताइए सर, ये वोल्टेज मिल गए, ब्रेक की सप्लाई मिली जो कि हमें पहले नहीं मिल रही थी। सर ऑन हो गया। ऑन हो गया जी सर। ठीक, धन्यवाद। कैसा लगा तुम्हें ये फोन चालू कर? सर एक्सपीरियंस अच्छा मिल गया। अच्छा सर मिल गया जी सर। अब सारे फोन सही कर लोगे? जी सर। आईसीआर रिवॉल्व करने में कोई परेशानी? फॉल्ट फाइंड कर लेते हो? जी सर। ठीक है, धन्यवाद।